नमस्कार दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में मैं अपनी प्राचीन परंपरा दुनगुन के साथ ले चलूंगी आपको लोहा घाट। आज मैं आ गई हूँ दुनगुन में अपने मायके और टाई लगा रही है मेरे को टीका। और ये तसल लगा दिन है। तो कुमाऊनी कल्चर में जब भी लड़की पहली बार अपने मायके आती है तो उसे बर्तन देते हैं। ये मेरे को गिफ्ट मिल गया। ये मेरे को गिफ्ट मिल गया। तो दोस्तों हमारे यहाँ जब भी लड़की मायके आती है तो सबसे पहले देली पूजती है। अक्षत और फूल से देली का अंदर बाहर से पूजन होता है, उसके बाद ही वो एंटर करती है। और इसी परंपरा को निभाते हुए देली पूजने के बाद मैं घर में प्रवेश करती हूँ और बाकी सभी लोगों से मिलती हूँ। यह है मेरी ताई का घर, यानी कि जानते ही आप बबीता बिष्ट को, जो कि मेरी ताई की बहू है। तो उनके घर में आ गई हूँ मैं। तो गाइज मैं अब अपने घर पहुँचने वाली हूँ। वो मुझे मेरा घर दिख रहा है और ये मेरे भाई मुझे लेने आए हैं। मेरी मामी भी आ रही है। गुड फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह। और ये मेरी मामी मेरे को मिल गई है। मामी प्रणाम। तो पुरानी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर शंख बजाकर बेटी और जमाई का स्वागत किया जाता है। उसके बाद मैं देली पूछ के फिर अपने घर में प्रवेश करती हूँ। मेरे दिल में बड़ी क्या पूजे हो? आप सीख लेगा ना? तो दोस्तों आज तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। लोग सेवा में लगे हुए हैं और मेरा भाई अभिषेक जो ओड़ी आंगला नहीं सारता था, आज वो भी काम कर रहा है। पहाड़ी कल्चर को अब और आगे ले जाते हुए मम्मी यहाँ पे मेरे को और अपने जमाई जी को टीका लगाएगी और यहाँ पर भी वही पुरानी परंपरा के अनुसार कुछ बर्तन देंगी। मेरी तरफ से एक थोड़ा सा गिफ्ट है। ये आया ना ऐसे ढोक दे बाबा। बचो तो दोस्तों पिथौरागढ़ में शादी होने के बाद लड़कियों को नाक से ही टीका लगाया जाता है। तो आमा ने मेरे को नाक से ही टीका लगा दिया है और आज मैंने आपको इसमें अपने दुनगुन की परंपरा को दिखाया है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।